सेंटेंस जो हम रोज रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं ना बोलचाल की भाषा में, ठीक है, क्या करते हैं बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना कि जैसे एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात है क्या, क्या बोलते हैं, कोई खास बात है क्या, तो उसके इंग्लिश क्या होगी, एनीथिंग स्पेशल, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं चुप कराते हैं ना, रो मत या रो मत, तो कहते हैं डोंट क्राई, क्या बोलते हैं, डोंट क्राई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जैसे बोलते हैं ना तुम लोग हल्ला मचाते हो, बोलते हैं चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत मतलब डोंट शाउट, ठीक है, चिल्लाओ मत, ठीक है। उसके बाद जाकर पढ़ाई करो, क्या बोलते हैं, जाकर पढ़ाई करो, बोलते हैं ना जाकर पढ़ाई करो, तो इसका मतलब क्या होता है, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी, ठीक है। अब आता है क्या, सब्र करो, क्या आता है, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो मतलब क्या होता है, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस मींस क्या होता है, सब्र करो, मतलब कहते नहीं है सब्र करो, सब्र का मतलब नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं, हैव पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आता है मुंह बंद रखो, क्या रखो, मुंह बंद रखो मतलब शट अप बोलते हैं ना, शट अप, शट अप, ठीक है, तो क्या हो गया, मुंह बंद रखो, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं ना, बोर्ड पे लिखा होता है बोलते हैं लिख लो, लिख लो, तो क्या होता है उसका मतलब, राइट डाउन, क्या होता है, राइट डाउन, राइट डाउन, ठीक है। अब कहते हैं ना कि जैसे डोंट टच मी या डोंट टच इट, मतलब इसे मत छुओ, ये मेरा सामान, इसे मत छुओ, तो क्या बोलते हैं उसमें, डोंट टच इट, ठीक है, या डोंट टच, अब जैसे मुझे छूने का हो गया तो क्या बोलेंगे, डोंट टच मी, या इसे मत छुओ तो डोंट टच इट, ठीक है। अब कहते हैं आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो या आगे बढ़ जाओ, तो क्या बोलते हैं, गो अहेड, क्या बोलते हैं, गो अहेड, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लास्ट वाला है बिहेव प्रॉपरली, ढंग से पेश आओ, ढंग से पेश आओ मतलब